मुरादाबाद के छडलैट थाना इलाके की रहने वाली महिला ने बीएसएफ में तैनात अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना इलाके के कुड़ी रवाना गांव के रहने वाले बीएसएफ में तैनात राहुल की शादी सोहरा थाना क्षेत्र के मंगलखेड़ा गांव की स्वाति से हुई थी। आरोप है कि शादी के एक साल बाद जैसे ही उसने एक बेटी को जन्म दिया तभी से उसके साथ मारपीट की जाने लगी और 1.5 लाख रुपये के साथ ही स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की जाने लगी। महिला का आरोप है कि जब उसका पति राहुल छुट्टियों में घर आता है तो अपने साथियों के साथ मिलकर देसी तमंचे बेचता है और इसका विरोध करने पर कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। जाँच के बाद जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। मामला ये है कि मेरी एक साल से वो चल रहा, मतलब कि ऐसी लड़ाई झगड़ा। किससे चल रहा है? मेरे हस्बैंड से। आपके हस्बैंड किस गांव के हैं? रमान है, कुरी रमाना। क्या काम करते हैं? बीएसएफ में। बीएसएफ में। कितना समय हो गया आपकी शादी को? तीसरा साल चला, 2019 को हुई थी। क्या कोई बच्चा है आपका? हाँ, बेटी है, एक लड़की। तो क्या बात है, क्या आपको क्यों परेशान करते हैं? ये कह रहे कि क्या नाम में मुझे रखनी नहीं है। मैं ये कह रही कि मेरी गलती हो तो ये बताओ। ये तमंचा लाते हैं मारने के लिए, तमंचा 24 घंटे जेब में रखते हैं। अरबे है जे नहीं, क्या नाम, डीलर साहब, करण डीलर, उनके घर ला के रखते हैं। गंगाराम ये बेचते हैं। मतलब ये आपके पति असलों का काम करते हैं क्या? हाँ, और मैं मना करती हूँ, सरकारी कर्मचारी को ऐसे अलाउ नहीं है। तो क्या ड्यूटी पर नहीं जाते हैं? ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी पर से जब छुट्टी मिलती है नहीं तब आते हैं, तब करते हैं इस काम को। ये आज क्या मामला हुआ? आज क्या मामला हुआ, मैं ये कह रही थी कि बात बन जाएगी, अच्छा है, कोई अब बीबी ये नहीं चाहेगी कि अपना घर बिगड़ जाए। अब जब इन्होंने बाहर से गेट बंद कर दिया और तमंचा हाथ में ले रखा और क्या नाम इनको वो हमला करा, तो तेजाब मेरी नड़ंद ने मेरे ऊपर छिड़कने की कोशिश करी तो पीछे को फेंक गया, मेरी सारी चीज़ें निकाली, मुझे मारा पीटी छेतक करी मेरे साथ, मेरे भाई को भी मारा, बड़े वालों को, छोटे तो आपके क्या परिवार, मतलब आपके मायके वाले यहाँ आए हुए थे? हाँ, मायके वाले आए थे, मम्मी उम्मी सब आई थी। अच्छा, सब आए थे आपके यहाँ? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मार के और क्या नाम थाने आ गई एकदम। थाने आ गए? हाँ। जब आप थाने आए आपको, आपने अपनी तहरीर दे दी? अब मेरी तो कोई सुनी नहीं रहे, यहाँ कह रहे थे ऐसी डांट डपट के फैसला करा दो, अरे मुकदमा मत कर, मुझे मुकदमा करना है। बेटी को हमारे घर पर 1.5 साल हो गया और वो छुट्टी आवे है, अपने घर टाइम काट के चला जाए। उसका खर्च जो है, मैं शादी से पहले भी तो मैं कर ही रहा था, लेकिन शादी के बाद ही मेरे सामने यही मजबूरी है। इन्होंने कहा कि तेरे पास लड़की क्यों हुई, लड़का क्यों नहीं हुआ, उसी के संबंध में लेके आज आप वहाँ पर आए थे। और इन्होंने कहा कि तू अगर अपने माँ बाप से 15 लाख रुपये लागी एक स्कॉर्पियो गाड़ी देगी तो मैं तुझे रखवा नहीं, बनना तुझे मैं रखवा नहीं, जला के मार दूंगा। नहीं, अब चले ठीक है, अब प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मैं मुकदमा दायर करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से विवाद चल रहा है, 1.5 साल हो गए मेरी लड़की को मेरे घर पर रखते हुए। आपकी बच्ची के कोई बच्चा है? लड़की है। लड़की है, तो आज क्या हुआ जब उन्होंने बुलाया तो? बस बातें करी, मारपीट करी मेरे लड़के के साथ, मेरी लड़की के साथ। अब सब चीज सब निकाल लें इसकी। अच्छा, अब जो थाने में आए आपने अपनी तहरीर दे दी? अभी नहीं दी। क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। अभिभावक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना छजलैट पर धारा 498/3235/4/507 IBC के अंतर्गत परिजनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। नियमानुसार निष्पक्ष रूप से विवेचना कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।